to business coordinators. The next case we are looking as Atiabari Teed Company versus State of Assam. Reference is A.I.R. 1961, Supreme Court 232. Subject: in this case, it is considered that if an act contravenes the freedom conferred by the Constitution of India, it is invalid, such as the Assam on the goods transported through roads or waterways tax act 1954. So subject of the case ye hai ki yadi koi act contravene karta hai freedom of constitution se, to wo act automatically invalid ho jata hai. Is case mein jo act bola gaya hai wo hai Assam on the goods transported through roads or waterways tax 1954. The facts of the case are as follows. The plaintiff was the owner of the tea gardens in Assam and West Bengal and were doing the trade of tea in Calcutta. तो जो plaintiff थे वो tea gardens के owners थे Assam में और West Bengal में और वो चाय का व्यापार कर रहे थे Calcutta में. From Calcutta, tea used to be dispatched from the consumption within the country and was also exported to foreign countries, and a large quantity of tea was transported through roads and waterways. अब Calcutta में से tea dispatch की जाती थी consumption के लिए भारत के अंदर और विदेशों में भी. तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ टी ट्रांसपोर्ट की जाती थी रोड से और वाटरवेज से. द लेजिस्लेटिव असेंबली पास द असम टैक्स ऑन द ग्राउंड्स ट्रांसपोर्टेड थ्रू रोड्स एंड वाटरवेज एक्ट नंबर 13 1954 विद अप्रूवल ऑफ द गवर्नर एंड एनफोर्स्ड इट विद इफेक्ट ऑफ 1/6/1954. तो 1/6/1954 को आसाम ने ये टैक्स पास किया, ये लॉ पास किया जिसका नाम था आसाम टैक्स ऑन गुड्स एंड ट्रांसपोर्टेड थ्रू रोड्स एंड वाटरवेज एक्ट. दैट एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ऑन गुड्स ट्रांसपोर्टेड थ्रू रोड्स एंड वाटरवेज. तो जो भी टैक्स इम्पोज किया गया वो गुड्स पे लगा जो कि ट्रांसपोर्ट किए जाते थे रोड के द्वारा या वाटरवेज के द्वारा. अंडर सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट द टैक्स कमिश्नर इशूड सर्टन नोटिफिकेशन रिक्वायरिंग द असेसर्स टू सबमिट सर्टन स्टेटमेंट्स. तो सेक्शन 7 के ऑफ उस एक्ट के अंतर्गत टैक्स कमिश्नर ने कुछ नोटिफिकेशंस इशू किए जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन मांगी गई. तो ये मैटर जाता है हाई कोर्ट. The appellants on the ground that the tag itself and the notification issued thereunder were against the Constitution of India presented a petition in the High Court under Article 226 of the Constitution and challenged the validity of the Act. तो appellant ने ये order ये matter High Court ले गया और ये कहा कि ये Act itself Constitution of under के India के under विरोध है और आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इस एक्ट को एक्ट की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया. इट वाज अलेज्ड दैट द पिटिशन द एक्ट वाज अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 301 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज द इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एंड गुड्स ट्रांसपोर्टेड द टी टू ट्रेड टू टी वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड. तो ये बोला गया कि इस एक्ट की वजह से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टी को ले जाने में आने में इसको एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा, नुकसान होगा बेसिकली. इट वाज आल्सो अलेज्ड दैट द इन द पिटिशन दैट ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड द राइट टू रेगुलेट द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ टी दैट इज वर्क was out of jurisdiction of Assam Legislative Assembly. तो ये कहा गया कि ये जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है कि वो रेगुलेट करे प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ टी
और आसाम की लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, विधानसभा जो है, उसको उसके ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं आता ये इस तरह के लॉज को एनैक्ट करना। द ऑनरेबल जजेस ऑफ द हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द होल कंट्री इज कन्फर्ड। दे ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द नीदर द परमिशन ऑफ द प्रेजिडेंट वॉज इम्पोज to introduce the act in the legislative assembly as required under article 3 or 4 of the constitution, nor his approval regarding the validity of the act taken under article 225. Under these circumstances, the act contravened an assurance of the freedom of trade and commerce. तो हाई कोर्ट के जजेस ने ये बोला कि भाई प्रेसिडेंट की परमिशन नहीं ली गई थी इस एक्ट को बनाने के लिए। The High Court judges therefore considered it necessary to think over the other arguments in this case on the basis of majority of the opinions, admitted the appeal and petition with cost. तो ये अपील एक्सेप्ट कर ली हाई कोर्ट ने और कॉस्ट भी लगाए गए पार्टीज पे। Principles of the laws laid down. Any act obstructing the freedom conferred under the Constitution of India is invalid. तो कोई भी ऐसा एक्ट होता है जो फ्रीडम जो दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, अगर उसको वायलेट करता है तो वो ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाता है। नो एक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रेजिडेंट एंड कैन बी ट्रीटेड एज इनवैलिड अंटिल इट इज़ अप्रूव्ड बाय द प्रेजिडेंट। तो विधानसभा में यदि कोई एक्ट बनाया गया हो, उसको जब तक परमिशन नहीं ली गई हो उसको प्रेसिडेंट के द्वारा, तब तक वो एक्ट जो है उसको इनवैलिड माना जाएगा जब तक कि प्रेसिडेंट की या राष्ट्रपति की अप्रूवल ना दी जाए उसके लिए। सो दिस इज़ अ शॉर्ट केस। आई होप यू लाइक द केस। सब्सक्राइब टू आवर वीडियोज़ एंड वी विल बी कमिंग अप विथ मोर वीडियोज़ इन द फ्यूचर। थैंक यू।